नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। फ्रेंड्स, इंडिया में ट्रेडिशनली बनने वाली पुलाव तो सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई दिन किसी भी ओकेज़न यानी कि पार्टी, शादी वगैरह में तो खाई होगी, जो कि सभी की फेवरेट होती है। तो आज मैरिज में भी तो आपके सामने मोस्ट पॉपुलर काश्मीरी शाही पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि टेस्ट में इतनी बेहतरीन होती है कि आप जब खुद बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में 3 टेबलस्पून देसी घी डालकर गरम कर लें, और जब देसी घी गरम हो जाए तो फ्लेम को लो करके 15 से 20 बादाम डालें, 15 से 20 काजू डालें और 15 से 20 किशमिश डालकर करीबन 1 मिनट लो फ्लेम में फ्राई करें। और जब काजू, बादाम और किशमिश फ्राई हो जाए तो इसे कढ़ाई से निकाल लें और उसी कढ़ाई में छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए 100 ग्राम पनीर डालें और इसे भी फ्राई कर लें। और जैसे ही पनीर हल्का हल्का फ्राई होने लगे तो इसे भी कढ़ाई से निकाल कर सेम कढ़ाई में, मतलब उसी देसी घी में 1 टीस्पून जीरा डालें, 2 तेज़पत्ता डालें, 4 छोटी इलायची डालें जिसे मैंने खोल दिया है, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालें, 6 लौंग डालें, 10 से 11 काली मिर्च डालें और आखिरी में 1/2 टीस्पून सौंफ डालकर कुछ सेकंड चलाएं और फिर तुरंत ही 4 मीडियम साइज के प्याज डालें। प्याज को बिल्कुल से पतला पतला मैंने डी के आकार का काट लिया है और प्याज को अब अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। और फ्रेंड्स, काश्मीरी पुलाव बन रहा है तो काश्मीरी लाल मिर्च भला न डालें, तो अब इसमें 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालकर करीबन 30 सेकेंड और चलाएं। वैसे आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें 1 ग्लास बासमती राइस डालें। इसे मैंने 1 घंटा पहले अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में ड्रिप करके रख दिया था, जिससे कि ये फूल चुके हैं। और इसे डालने से पहले इसके सारे पानी को छानकर हटा दें। तो अब इसे डालें और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालकर 1 मिनट लगातार चलाते हुए अगेन फ्राई करें। एक मिनट हो चुका है, चावल भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें 2 ग्लास गुनगुना गरम पानी डालें और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करके एक उबाल आने तक का इंतज़ार करें। और जब पानी में उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो कर दें और फिर इसमें ऊपर से करीबन 30 से 40 मटर को फैला कर डालें। मटर मैंने फ्रोजन लिया है क्योंकि अभी सीजन नहीं है मटर का। आप अगर मटर के सीजन में बना रहे हैं तो आप इसमें फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। वैसे अगर आपके पास मटर नहीं है तो बिना मटर के भी इसे बना सकते हैं। तो अब इसे 2 से 4 मिनट लो फ्लेम में दम पर छोड़ें, जाकि पुलाव 70% कुक हो जाए। चावल 70% तक कुक हो चुके हैं, तो अब इसमें फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को फैला कर डाल दें और साथ ही फ्राई किए हुए पनीर को भी डाल दें फैला कर, और अगेन लो फ्लेम में दम पर तब तक पकाएं जब तक पानी पूरे तरह एब्जॉर्ब होकर चावल बिल्कुल से कुक ना हो जाए। चावल का सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, चावल 99% तक कुक हो चुका है।
तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे कुक होने में 3 से 4 मिनट का समय लगा है। तो अब इसमें आवश्यकता अनुसार बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डालें और मिक्स करें। और यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि जो ऊपर वाला चावल है वही 1% नहीं कुक हुआ है, क्योंकि ये ऊपर की सतह पे है, इसलिए इसे मिक्स कर दें ताकि ऊपर का जो चावल है अंदर चला जाए। और इसे ऐसे ही बिना गैस ऑन किए दम पर अगेन 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि सारे चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। दस मिनट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल से कुक हो चुका है। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। आपके सामने गर्मा गर्म कश्मीरी शाही पुलाव बनके रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म पनीर की सब्जी, छोले या नॉन वेज के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।